राम राम सा आपनी मीठी माय राजस्थानी भाषा से भाषा रे मिठास सो सजड़े राजस्थानी भाषा रा बुलेटिन खबर राजस्थान रे लेर हाजिर हूं आपरे सागे राहुल अवस्थी बुलेटिन रे माय आपने मिलसी राजस्थान रे हर इलाके री खबर अब अनूठा राजस्थानी अंदाज में तो चलो जोवा खबर राजस्थान रे। शुरुआत करा मोटी खबर हाथे कामा कस्बा में बिजली महकमारी जयपुर और भरतपुर साची विजिलेंस टीम पुलिस प्रशासन की मदद से कार्रवाई करी और बिजली चोरी करता थका दर्जना लोगों ने पकड़िया है। कामा कस्बा में कई दिनों से वेरी बिजली की चोरी के खिलाफ कार्रवाई से इलाका में रोड़ो माचियो। दोपहर आई टीम अबार भी छापामार कार्रवाई में अटे जुटी है। अरे मोटी कार्रवाई आप समझो कि जयपुर और भरतपुर साझी विजिलेंस टीम में जो कार्रवाई कर रहे रहते हैं पुलिस रो पूरा जाप्त है। अटे बिजली चोरी करता थका दर्जना लोगों ने पहले ही पकड़ लियो गयो है रहते ही कई दिनों जो बिजली चोरी रे मामला जो बिजली चोरी का मामला यहाँ हमें आ रहा जिसके बाद ये मोटी कार्रवाई अंजाम अटे दिनी। देवेंद्र भट्टाचार्य जी मीडिया संवाददाता काम जुड़ गया जानकारी लेवा। देवेंद्र साहब कोई कार्रवाई चल रही है हुक्म उठे? जी राहुल मैं बताना चाहता हूँ कामा कस्बे में लगातार जो मिल रही शिकायतों के आधार पर भरतपुर और जयपुर दोनों विजिलेंस टीमों ने कामा कस्बे में लगातार छापामार कार्रवाई जारी है जिसमें दर्जनों लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा है। जी राहुल बहुत धन्यवाद साहब आपको जानकारी खातिर। देवेंद्र भट्टाचार्य जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहा है कि उठे मोटी कार्रवाई करता ब्याह घना ही लोगों ने अटे गिरफ्तार करी होगी और हाथ ही मोटी कार्रवाई अटे अंजाम दिन। जमवारामगढ़ मोहनपुर हाईवे माले व्या हादसा रमाए पुलिया सू तले एक तारकोल भरियोड़ो एक ट्रक पड़ गयो है। हादसा में चार लोग अटे घायल हो गया है। एक घायल ने नाजुक हालत रे माए जयपुर रेफर करियो गयो है। जंबा रामगढ़ रे कुशलपुरा गांव री घटना है जटे ये हादसों पेश आयो है। जंबा रामगढ़ इलाका में मनोहरपुर हाईवे माथे यो हादसों भी हो आप देख पाओ पेरी तस्वीर आई हादसा रे हादसा जुड़ी उड़ी जिरमाए पुलिया सू ये तारकोलू भरियोड़ो ट्रक पड़ गयो और जिमें चार लोग घायल भी गया है जिन्हें जयपुर रेफर करियो गयो है। जंबा रामगढ़ रे कुशलपुरा गांव रे कन्ने री घटना है। जयपुर मोटी खबर है जटे प्रतापगढ़ मामला ने लेर प्रेस से बात कर रहा है गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया आपने सीधा लेर हाला तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हो सचिवालय जो टैब गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा वाला है। प्रतापगढ़ रे मामला ने ले बैठे प्रेस ने जानकारी देवेला प्रतापगढ़ में मौतरो मामलो हमें आयो जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कोई आ रहे हैं कौन कौन सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं कौन आगे वाह भैया चलो सबसे पहले को गया था। क्या है कि प्रतापगढ़ की जो घटना हुई उसके बारे में जिस प्रकार का एक तरह से गलत प्रचार किया जा रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर नगर पालिका और हर पंचायत समिति ODF हो एक अभियान सा चल रहा है और इसके लिए स्थानीय जो अधिकारी और जनता है उन्होंने प्रयास किया है कि जनता को किसी तरह से खुले में सोच जाने से कैसे रोक करके उनको उसमें लाया जाए। 15 तारीख को भी ये टीम गई थी नगर पालिका प्रतापगढ़ की और समझा पर आ गई। 16 को फिर 6 बजे गई
जब ये 16 को गई तो जाते ही उस कॉलोनी के सारे लोगों ने एक तरह से उसको घेरा, और ये जो जफर है इसके उनके साथ काफी हॉट डिस्कशन होते हैं, हाथापाई हुई। जो वीडियो हमें उपलब्ध हुआ है दो, उससे भी देखने से लगता है कि भाई ये संख्या में कम थे वो अधिक थे, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की हुई। उस धक्का मुक्की होने के बाद ये सारे जो नगर पालिका अधिकारी लौट के आ गए और थाने पे चले गए, जफर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उसको डेथ हो गई। उस डेथ का जो कारण लिखा उसमें वो हार्ट के कॉलेप्स होने से लिखा, और आगे की जांच FHL रिपोर्ट आने तक फाइनल रिपोर्ट क्या होगी उसके बाद की। अब यहाँ जो जफर के जो भाई हैं या उसका परिवार है जिसने जो FIR लिखाई, वो वैसे मौके पे नहीं था, पर उसने जो FIR लिखा है उसमें उसने दो तीन पॉइंट लिखा है। एक तो उसने कहा कि इन्होंने महिलाओं के कोई फोटो वोटो खींचे, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, खींचे नहीं खींचे कुछ नहीं। दूसरा यह कि मारपीट कितनी की, वो वहीं गिर गया और वहीं मर गया, जबकि ऐसा है नहीं, हार्ट कॉलेज से हुआ है, ये मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है। तो वास्तव में जो 186 केस /17 जो मुकदमा दर्ज कराया वो जफर और जफर के परिवार के लोगों ने कराया, और 187 नगर पालिका के। जो वीडियो फुटेज से देखा उसमें एक तरह से जो कर्मचारी है उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है, और वो इतने जोर से जफर बोला है कि तुमको मैं जान से मार दूंगा, धक्का भी उसने दिया वो भी है। फिर भी चूंकि FIR दर्ज है, उसके हर बिंदु की जांच करना हमारा दायित्व है, हम उसकी निश्चित रूप से जांच करके जिसका भी दोष बनेगा वो उसको करेंगे। लेकिन इसको टारगेट बनाकर कुछ ऐसे जो बंधु हैं जो जिनके कागज हमने अभी तक पढ़े हैं, उन्होंने इस तरह से लिखा कि जैसे कोई हमने उसको मार दिया। देशव्यापी जो स्वच्छता अभियान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, एक राज का कर्मचारी इस बात में अपनी ड्यूटी के आधार पर जा रहा है, उसे क्या लेना देना वहां जाए ना जाए, और उसको ही उसके आधार पर जो है ना इस प्रकार से उसके साथ धक्का मुक्की करना, क्योंकि मुकदमा दर्ज है तो किया है। इसी तरह से कुछ राइटर ने इस बारे में भी डाला कि पहलू खां को भी हमने मार दिया। हम चिल्ला चिल्ला के आपको कह चुके हैं कि पहलू खां के केस में जो एविडेंस हमारे पास थी उसको हमने बहुत स्पष्ट रूप से, मैंने उस दिन में सौभाग्य से दिल्ली में था, राज्यसभा में उठा, लोकसभा में विषय उठा, मैं वहीं था, उस विषय के बारे में कहा कि दो स्थान पर घटना हुई। पहले बहरोड में लोगों की सूचना थी कि ऐसी गाड़ियों में, 6 गाड़ियों में गोवंश जा रहा है, 4 को पुलिस ने बैरिकेड करके रोक लिया, उतार लिया और उतार करके गौशाला तक पहुंचा दिया। तब वापस थाने में मीटिंग आया कि आगे कुछ 2 गाड़ियां और निकली, उनके साथ मारपीट हो गई, पुलिस वहां से भाग के पहुंची, पहुंच करके केस दर्ज किया, पहली स्टेप में 308 में दर्ज किया। जब 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई 302 में दर्ज किया, 7-8 लोगों को पकड़ लिया, चालान पेश कर दिया, पेंडिंग इंक्वायरी 173-8 में जो और कैंडी केस वो किया गया, उसमें भी हमने कार्रवाई की। अभी बाड़मेर की घटना हुई, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि केवल सच्चाई को डिनार कर चाहे जैसे लिख देने से, हमने किसी में कार्रवाई नहीं की हो तो हम अपने आप को दोषी मान सकते हैं। हमने हर केस पे तुरंत कार्रवाई की। बाड़मेर में जो तमिलनाडु की टीम नस्ल की गायों को खरीदने के लिए आए, अधिकृत कागज से आए, उनके पास सारे कागज थे, उनके साथ जिन लोगों ने मारपीट की उनको हमने गिरफ्तार किया है, वो आज भी इसकी तारीख में जेल में है। मैं सोचता हूं ऐसा एक कोई केस बता दे कि जिस केस की सूचना हमने मिली हो और हमने उस पर कार्रवाई नहीं की हो, जो उसमें दोषी पाए उनको नहीं गिरफ्तार किया। उसके बाद भी राजस्थान में क्राइम बहुत है, राजस्थान में मैंने आपको कहा कि मैं भी 40 साल की राजनीति इसी महीने में पूरी हो रही है। अब तक मैंने विधानसभा में, हर विधानसभा में चाहे पक्ष में था या विपक्ष में था, बराबर डिबेट में बोला हूं, क्राइम कभी घटा ही नहीं। ये पहली बार है जो लगातार, आपने 14 में जो है वो क्राइम 13 से बढ़ा 7%, लेकिन
12 से 13 में जो उसकी सरकार थी तब क्राइम का परसेंटेज था 14% बढ़ने का आईपीसी अपराध, हमारे समय भी बढ़ा 14 में, लेकिन उसकी रफ्तार घट के 7% पर आई है। उसके बाद जैसे हम 15 में आए 5.6 माइनस हो गया, उसके बाद उसके अगले साल आया 8.6 कम हो गया, और अभी मई तक का जो हमारा फिगर है उसमें भी 5.2 आईपीसी अपराध सभी हेड में कम हुए हैं। इसका मतलब अगर सब मिला दें तो लगभग 23-24% आईपीसी अपराध घटना ये नहीं है। और फिर ऐसा कोई केस बता दें, छुटपुट केस तो हो सकते हैं जिसको हमने खोला नहीं और जिसमें अपराधी तक हम नहीं पहुंचे हैं, ये बात सही है कि घटनाएं हुई हैं, उसको नहीं नकार सकते कि घटनाएं नहीं हुई, पर घटना होने के बाद जो पुलिस को काम करना था वो काम हमने बखूबी अच्छे ढंग से किया। मैं आप सब बंधुओं से भी चाहता हूं कि दोनों पक्षों को ईमानदारी से रखें, इस केस में भी जो भी सच्चाई होगी उस सच्चाई के आधार पर जिसका भी अपराध बनता है उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, कोई पक्षपात नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। सर, प्रतापगढ़ वाले में एक चोरी और आ रही है कि वो महिलाओं के फोटो खींच रहे थे और उनको मेरे हिसाब से जिस प्रकार की घटना वो जो आप फुटेज जो देख रहे हैं उसमें ये विषय कहीं भी नहीं आ रहा है कि महिलाओं का फोटो खींचा, उसमें यह जरूर आ रहा है कि आपने महिलाओं के साथ कल मारपीट की, ये विषय जरूर बोल रहे हैं आपस में लोग बात। अगर ऐसा कुछ होता तो इतने लोगों में से कोई एक आवाज तो इस बात की भी आती। उसने अपने FIR में जरूर लिखा है, FIR में लिखा, उसको तस्दीक करेंगे हम, पर उस घटना के क्रम में कहीं भी ये विषय नहीं आया। ये विषय जरूर आया कल, अगर मेरे को बता दो कोई टीम अगर एक दिन 15 को गई और मारपीट करके आती तो उस टीम के दूसरे दिन जाने की उस बस्ती में हिम्मत होती नहीं, हो सकती। अगर कोई घटना दुर्घटना हो गई तो दोबारा जाकर के उन लोगों को रोकने हिम्मत नहीं हो सकती। फिर भी चूंकि पीड़ित पक्ष ने अपनी FIR में जो विषय लिखाए हैं उन विषय को देखना, उनकी जांच करना और उसकी पूरी तहकियात करने के बाद जिसका दोष बनेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, लेकिन इस पर पूरे मामले में ये जो सीरीज जो इंसिडेंट हुए ना, जो घटनाएं हुई है, चाहे पहलुकां की हो, चाहे ये हुई, चाहे बाड़मेर में हुई, इसमें जो मैसेज आ रहा है पूरे दिल्ली में खास करके कि राजस्थान की छवि एक ऐसी बन गई कि यहाँ कुछ भी आप करेंगे, चाहे कला के क्षेत्र में करेंगे, उसमें तो मारपीट हो जाएगी। ये एक स्टेट की छवि बनती जा रही है दिल्ली में खास। ऐसा है कि छवि बननी या नहीं बननी है, लेकिन ये बता दो कि पुलिस को जो कानून के तहत अधिकार है उसकी पालना नहीं की और पक्षपात किया, या एक भी घटना में अपराधी को पकड़ा नहीं हो, जेल में नहीं डाला हो, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं किया हो, तो बताइए। घटना तो कहीं भी घट सकती है, घटना घटने के बाद अगर घटना वालों लोगों को अभियुक्त को बचाने का अगर हमारे मन और प्रयास किया हो तो हम 100% दोषी हैं। हमने उसको कठोरता से सजा दी और कठोरता से केस बनाए। सर, आप क्राइम कम होने की बात कर रहे हैं लेकिन हकीकत ये भी है, आरटीआई से जानकारी भी जो सामने आई है कि इस्तगासा के जरिए आप पुलिस बहुत सारे मामले जांच कर रही है सर, क्योंकि मजबूर अब थाने रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, आपने कहा नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन वो संख्या भी काफी बढ़ रही है। देखो, निश्चित रूप से 156(3) के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें राजस्थान टॉप पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भी सच है कि जो दर्ज हुए उसमें से 80% FIR लगे हैं। कारण बताता हूं मैं आपको, सामान्यतः पुलिस के पास आप गए नहीं और सीधे कोर्ट चले गए, जो नहीं जाना चाहिए। अगर वहां आपको जाने के बाद दर्ज नहीं हुई हो तो आप जाइए, आपका लेन देन तो है पैसों का, और आप में उस वकील साहब से ड्राफ्टिंग करा के 420 का मुकदमा बना देते हो। अब वो जो 420 का जब FIR आती है तो एक तलवार लटक जाती है सामने वाले पर, फिर कोई तो भी समझौता होकर थोड़ा बहुत जो मिले, थोड़ा बहुत जो हुए, और केस को रफा दफा करो। अगर किसी को इस 156(3) के तहत चालान होने के बाद सजा हुई है और वो केस थाने पर आया और हमने दर्ज नहीं किया, उस केस के मिलान करेंगे तब तो हमारा इंटेंशन लगेगा कि हम दर्ज नहीं करना चाहते। अब तो हमने दर्ज करने के लिए यहाँ रास्ता खोल दिया कि अगर कोई नहीं भी करे तो आप डायरेक्ट SP को अपने मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। एक राजस्थान आज की तारीख में CCTN के तहत हमने अपने 861 थानों को ऑनलाइन करके सारा रिकॉर्ड कोई भी आदमी किसी भी समय कभी भी देख सकता है, हम नहीं देख सकते, सारा देश देख सकता है राजस्थान में जो FIR दर्ज हुई है।
तो सामान्यतः कुछ चीजें ऐसी है जो गुमशुदा की रिपोर्ट है, यह है, ये सारी की सारी हमने ऑनलाइन कर दी है। मैं सोचता हूँ जो जो कदम वो उठाए FIR दर्ज करने में, उसमें अगर वो असफल हो जाता है तो जाए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रवृत्ति है और वकीलों के द्वारा भी जो ड्राफ्ट बनता है उसका 80%, अब इसमें हम 182 में जाते भी हैं, तो 182 में हर केस पे तो नहीं जा सकते, जो गंभीरतम अपराध लगा दे 376 है, अब वो आप कोर्ट से लिया है 376 का मुकदमा और मान लो XYZ के खिलाफ दर्ज करा दिया, उसका तो बुखार उतर गया। घटना सच है कि नहीं है ये तो बात का फैसला होगा, पर एक बार कोई नामजद मेरे खिलाफ भी लिखा दे 376 का जुर्म कर दिया, एक महिला तैयार हो गई और उसने मेरे पे लगा दिया, मेरा तो बुखार हो गया, और उसके बाद भी वो जाकर के अलर्ट हो जाती है। और आपने देखा जो SOG ने केस पकड़ा है, एक स्कैंडल चलता है इस तरह की रिपोर्टें दर्ज कराकर, जमीनों के झगड़े होते हैं, मुकदमा उधर चला जाता है। तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ आपके माध्यम से राजस्थान जनता को, अगर अपराध हुआ है उसमें अपराधी को बचाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, चाहे वो मेरा नजदीक हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर ये अभी जो बॉर्डर इलाके में जासूस पकड़े जा रहे हैं, उनमें भी सामने आया कि धर्म का पैसा ISI तक पहुंचाया जा रहा है। देखो क्या है कि कोशिश ये करी कि इस समय पिछले लगभग एक साल से इस बात की बहुत हलचल है कि बॉर्डर पर कभी भी किसी भी प्रकार की अराष्ट्रीय गतिविधियां सक्रिय हो सकती है। बॉर्डर को सिक्योर रखने के लिए हमने विजिलेंस ज्यादा टीमें लगा रखी है और इसके कारण से इन 6 महीनों में ऐसे कई लोग पकड़े गए। ये हमारी जो वहाँ क्षेत्र में जो सक्रियता बढ़ानी पड़ी हमको, उसके तहत हमारे पास ये कैसे जाए। तो जयपुर में सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सचिवालय में गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा और मामला लेर सरकार रो पक्ष पुलिस रो पक्ष में रख रहा और वे किया कि अगर कोई भी खोटो काम करेला, कोई गंदो काम करेला तो बी के खिलाफ मोटी कार्रवाई करी जावेली। आगे बढ़ा मुझे खबर रुक करा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज राज्य दौरा वाले रिया, राज्य रा कई इलाका में रेलवे महकमा कानी सो खासी सौगाता देर राज्य रा लोगान ने निहाल कर दियो। जयपुर जंक्शन वाले विया कार्यक्रम रमाए रेल मंत्री सुरेश प्रभु और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्लेटफॉर्म 4 और 5 वाले नया एस्केलेटर रो लोकार्पण करियो और 500 किलोवाट रा सोलर प्लांट रो भी उद्घाटन करियो। इस दौरान वे सीकर सो दिल्ली सराय रोहिल्ला सरों रेलगाड़ी ने भी जयपुर सो झंडी झंडी दिखा रवाना करियो। ये कार्यक्रम में सुरेश प्रभु बोलिया कि राजस्थान सारू भाजपा सरकार 3 साल में बजट 186% बढ़ायो है, इरे चालता ही राज्य ने 1960 करोड़ रो सालाना बजट दियो गयो है। वे कियो कि राज्य में 36,000 करोड़ री योजना माला काम वीरिया है। मुख्यमंत्री राजे भी आपरे संबोधन रे दौरान रेल मंत्री की जमर तारीफ करी, वे कियो कि सुरेश प्रभु राज्य की घनी मदद करी है और राज्य माले खासो ध्यान दियो है। ये नहीं कहूंगा कि उतने ही लोग, लेकिन बड़े मात्रा में राजस्थान के लोग पूरे देश में जाकर कारोबार करके वहां का विकास करने में भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। तो जब जाते हैं तो राजस्थान को कभी भूलते नहीं है। मैं मुंबई में शहर में रहता हूं, परसों कटारिया जी भी आए थे, हमने राणा प्रताप सिंह जी की बड़बोली सालगिरह मनाई, उस समय भी ये बात चली कि राजस्थान का विकास राजस्थान के लोग कर ही रहे, लेकिन साथ में जहां पर रह गए वहां का भी विकास करें। पर यात्रियों की परेशानी दूर करने का काम और ट्वीट को रीट्वीट नहीं परंतु ट्वीट का रिएक्शन करने का काम उन्होंने बहुत बड़े तरीके से किया हुआ है। मैं खाली 2 उदाहरण आपको दूंगी। बिहार के दूल्हे को टाइम पे शादी पे पहुंचा दिया, एक, और दूसरा एक छोटी लड़की जिसका पैर जल गया था, भुवनेश्वर नई दिल्ली के ट्रेन माने वहां डॉक्टर पहुंचा के उसको उपचार करने का काम करा दिया। सीकर सो दिल्ली सराय रोहिल्ला सारू नई रेलगाड़ी ने भी रेल मंत्री सुरेश प्रभु और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हरी झंडी दिखा रवाना करियो। ये सारू सीकर में भी कार्यक्रम भी हो, अठे मुख्य अतिथि सांसद सुमेधानंद सरस्वती है। इस दौरान विधायक रतन जलधारी और नगर परिषद रा सभापति जीवन खा भी अटे मौजूद रहा। पहला चरण में एक रैक मिलन रे चालता रात ने सीकर सो दिल्ली रे विचाले चालन आ लिए आ रेलगाड़ी अब हफ्ता में 3 दिन ही चले ली। दिल्ली सारू पहली सो चल रही रेलगाड़ी भी वही चालू रहे। और रातेज बुलेटिन मात्र राम राम साहब।